नमस्ते, मैं हूँ टिया, ग्रैंड मास्टर हीलर, क्रिस्टल हीलर, ट्विन फ्लेम कोच, टैरो रीडर, पीएलआर थेरापिस्ट एंड क्रिया कुंडलिनी मास्टर। वेलकम टू माय चैनल टिया टैरो कंसल्टेशन। सो आज फिर से आई हूँ एक करंट फेयरिंग की वीडियो लेके, एज यूजुअल बहुत दिन बाद। सच में मैं बहुत इरेगुलर हूँ, बार बार बोलती हूँ, ट्राई करती हूँ कि रेगुलर हो पाऊँ। मैं हार्ट एंड सोल ट्राई करती हूँ, मगर आप लोगों के काम लेके बिजी होती हूँ। आप लोगों का स्पेशल हीलिंग, काउंसिलिंग, टैरो रीडिंग, मेन टैरो रीडिंग, रीमेडीज, ऐसा बहुत सारा काम होता है जिसको लेके बिजी रहती हूँ। ठीक है, चलिए। तो हाँ, मुझे मालूम है मेरा व्यूअर्स जो है मुझे बहुत प्यार करते हैं, एक कंटिन्यू व्हाट्सएप में कमेंट में मेरे साथ जुड़े होते हैं। कमेंट देखना मैं कभी नहीं भूलती, डेली कमेंट देखती हूँ, क्योंकि जब भी मैं हीलिंग में बैठती हूँ मैं एकदम रेकी मदर से, डिवाइन से, सच्चे दिल से प्रे करती हूँ कि आप लोगों का जो विश है वो फुलफिल हो जाए। आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, मेन शेयर कीजिए। बहुत लोगों का जो भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में बोल पाएंगे, उसके हिसाब से मैं बिल्कुल रेकी मदर से प्रे कर सकती हूँ, है ना, कि इन लोगों का भी अच्छा हो जाए। साथ ही साथ मेरे रीडिंग देख के बहुत लोग हो सकता है पर्सनल रीडिंग नहीं ले पा रहा है, कुछ तो जाने, कलेक्टिव रीडिंग, कलेक्टिव एनर्जी, ठीक है ना। साथ ही साथ प्लान है इस हफ्ते से ही लेके आऊंगी शॉर्ट से एंड ऑल लाइफ कोचिंग, न्यूमरोलॉजी प्लान है ऐसा, ठीक है। तो जितना शेयर होगा उतना ही हर एक के पास ये पहुंचेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। जैसे रीडिंग से पहले ऑलवेज दो बातें, दो बातें में आज एक बात बिल्कुल मैं बताऊंगी कि नॉर्मली लोग क्वेश्चन करते हैं कि मैम कैसे पूरा दिन को कैसे एडजस्ट करूं, पूरा दिन कैसे, पूरा दिन बेकार चले जाते हैं सिर्फ उनके बारे में सोच के, या काम तो कर तो रही हूँ, कर तो रहा हूँ, दिमाग में वो चलता रहता है, तो कैसे। मुझे मालूम है ये चीज बिल्कुल ठीक नहीं है, फिर भी हम कर लेते हैं, क्या करें। एक आदत डालिए, डेली सोने से पहले खुद को दो क्वेश्चन कीजिए, डेली सोने से पहले खुद को दो क्वेश्चन कीजिए। एक क्वेश्चन कीजिए कि ऐसा पूरा दिन में क्या क्या चीज मैं सोचा हूं या सोची हूं या किया हूं जो मुझे नहीं करना चाहिए था, जो काम मैं दूसरे दिन से नहीं करने वाली हूं, नहीं करने वाला हूं, और ऐसा क्या क्या चीज मैं पूरा दिन में सोचा हूं या सोची हूं या करा हूं या करी हूं कि वो चीज से मैं खुद ही खुद को अप्रिशिएट करना चाहूंगी। ये दो क्वेश्चन बिल्कुल अपने आप को कीजिए। नंबर वन कि जो ऐसा क्या काम किया हूं या अब सोचा हूं कि जो चीज मैं नहीं करना चाहिए था, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एनर्जी या गलत, और ऐसा क्या काम मैंने किया हूं या की हूं कि जिसको लिए मैं अपने आप को अप्रिशिएट करती हूं या करता हूं, हाँ बिल्कुल मुझे फिर से करना है और ऐसा ही करना है। तो ऐसा अगर आपका लाइफस्टाइल हो, आपका सोच हो, आपकी कुछ किए हो, आपने किसी को हेल्प किए हैं या खुद के लिए जाने हैं, तो इसके ऊपर ये दो क्वेश्चन एवरी डे रात को अगर आप राइटिंग में करना चाहते हैं, एक आप एक जर्नल ले लीजिए, उसमें राइटिंग में डेली का डेली लिखिए, बहुत अच्छा लगेगा, खुद की इम्प्रूवमेंट पता चल जाएगा, खुद की इम्प्रूवमेंट। हाँ, मैं एक तारीख को ऐसा मेरा थॉट प्रोसेस आया था, ऐसा था, दो तारीख का ऐसा था, तीन तारीख का, देखना ऑटोमेटिकल इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा हो जाएगा, सोचना अलग हो जाएगा, फ्री माइंड में रहेंगे। अगर लगे खाली उनके बारे में सोच सोच के मैंने पूरा दिन बेकार कर दिया, दूसरे दिन दिमाग में आएगा ना तभी लगेगा नहीं ये टाइम मुझे वापस नहीं आने वाला। आज डेट है जो आज से आज 11th of September 2024, ये जो टाइम मैं जिंदगी में कभी मिल सकता है, नहीं मिल सकता ना, तो हम इसको वेस्ट कैसे करें, ये वाला चीज के ऊपर बहुत ध्यान दीजिए, ठीक है। सो आज था यही दो बातें, उसके बाद और भी मैं ट्राई करूंगी ऐसा ही आप लोगों के सामने लेके आऊ, और भी ऐसा ही लाइफ कोचिंग एंड अवेयरनेस कोच से रिलेटेड, कोचिंग से रिलेटेड कुछ शब्द। आती हूँ सर्विसेज के बारे में। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, अगर आपको ट्विन फ्लेम हार्मोनियस रियूनियन के लिए ट्विन फ्लेम हीलिंग, ट्विन फ्लेम कोचिंग चाहिए, अगर आपको ट्विन फ्लेम हीलिंग भी रेकी हीलिंग,
थोड़ा मेथड अलग होता है, रेकी हीलिंग ही होता है। साथ ही साथ मैं खुद 6 क्लासेस ऑफ इनर वर्क खुद सामने जूम मीटिंग में बैठ के देती हूँ। अगर आपको डिस्टेंस रेकी हीलिंग के जरिए आपका रिलेशनशिप, हेल्थ, करियर, मनी ब्लॉकेज, कोई भी चीज को हील करना है, उसके साथ भी आपको बिल्कुल 6 क्लासेस ऑफ इनर वर्क मिलेगा। अगर करना है, अगर आपको पता है ट्रांसफॉर्मेशन अगर चाहिए जिंदगी में, ब्लॉक एनर्जी को दूर करना है, अगर आपको प्योर एनर्जाइज क्रिस्टल चाहिए, अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना है, अगर आपको प्रॉपर रिमेडीज चाहिए जो एक्चुअली 21 डेज से वो काम करना स्टार्ट करते हैं, अगर चाहिए प्रॉपर क्रिस्टल, प्रॉपर स्टोन्स, ऐसा कोई भी अगर आपको चाहिए, मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। कहाँ करेंगे? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 9087282880, 9087282880, ये नंबर पे व्हाट्सएप पे मुझे पिंग कीजिए। बहुत जल्द अक्टूबर में आ रहा है मनी मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप, ये मुझे लगता है मेरा बहुत दिनों का मेरा स्टूडेंट्स, क्लाइंट सबका रिक्वेस्ट था कि मैम मनी मैनिफेस्टेशन का लेके आइए, इसीलिए एक मॉडरेट फीस में जो सब अटेंड कर सके, ऐसे में जितना मैक्सिमम मनी ब्लॉकेज कैसे दूर करेंगे। बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, हम लोग तो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट है, क्या करें? मनी मंथ, नॉट मनी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, एनर्जी, हाउ टू मैनिफेस्ट, हाउ टू आप खुद को कैसे एक वास्ट, एक एनलार्ज एनर्जी की तरफ, एक कलेक्टिवली एक माने एक एस्टेब्लिशमेंट एस्टेब्लिश्ड कर सकते हैं, ये वाला एनर्जी में लेके जा सकते हैं, आपकी एनर्जी कहां से कहां पहुंच सकते हैं, साथ ही साथ मनी ब्लॉकेजेस कैसे दूर कर सकता है, लोन नहीं मिल रहा है, वो पैसा जमा नहीं होता, सभी आपके अंदर जमा हुआ ब्लॉकेज है, कैसे उस ब्लॉक को दूर करके हम इस एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, मनी सुपर मैग्नेटिक एक एनर्जी में आप रह सकते हैं, ठीक है ना। सो ये जानने के लिए मनी मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप बुकिंग गोइंग ऑन, कहाँ मेरे साथ कम्युनिकेट करेंगे, वही 9087282880 ये नंबर में मुझे व्हाट्सएप में पिंग कीजिए, ठीक है। कम्युनिटी पोस्ट में भी है, देखिए नंबर पता चल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनके कारण फीलिंग आपके लिए क्या है, ये मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज रीडिंग की वक्त स्किप करके देखना ये सब मत कीजिए, क्योंकि मैं ऑलवेज कुछ ना कुछ रिमेडीज, कुछ ना कुछ कैसे सोचेंगे कैसे करेंगे टिप्स देती रहती हूँ। ज्यादा बड़ा नहीं करूंगी रीडिंग, अननेसेसरी एक ही बार 10 बार बोलना एकदम नहीं, मन लगा के सुनिए पॉइंट टू पॉइंट विदाउट स्किप, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के कारण फीलिंग इमीडिएट एनर्जी में क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में इमीडिएट एनर्जी में। प्लीज डिफाइन हेल्प करें, प्लीज डिफाइन हेल्प करें आपके पर्सन के कारण फीलिंग इमीडिएट एनर्जी में क्या है। कलेक्टिवली मेरे जो व्यूअर्स है उनके पर्सन की कारण फीलिंग इमीडिएट एनर्जी में क्या है। Eight of Swords, Knight of Cups, Page of Pentacles, क्या है आपकी पर्सन की कारण फीलिंग इमीडिएट एनर्जी में। द एम्प्रेस, पेज ऑफ वांड्स, सिक्स ऑफ वांड्स, जजमेंट, फोर ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ वांड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, Ace of Wands, ठीक है। So overall और एक card, Moon card, okay। So
अभी आपकी पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, इमीडिएटली क्या है, क्या सोच रहा है, क्या सिचुएशन है, डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली फायर एंड एयर साइन बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, फायर साइन एंड एयर साइन, ठीक है। सो ये बहुत ज्यादा मुझे दिख रहा है। सो यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, यस बहुत स्ट्रांग एनर्जी दिख रहा है। कप का भी है, मगर एयर एंड फायर इज अ वेरी स्ट्रांग एनर्जी, ठीक है। चलिए देखते हैं कि क्या है आपके पर्सन के दिमाग में। फर्स्ट कार्ड, मैं ऑलवेज बोलती हूँ फास्ट जो कार्ड है वो कार्ड एक्चुअल वन वर्ड आंसर दे दे, की वर्ड क्या है उसका आंसर दे देते हैं। एट ऑफ सॉर्ड्स, बाधा हुआ एनर्जी, ऐसा कोई एनर्जी में आपकी पर्सन है जिस एनर्जी से वो निकाल नहीं पा रहा है, बंधन है, फ्रस्ट्रेटेड है, दो दो फ्रस्ट्रेशन की कार्ड आया है। एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, नाइटमेयर, रात में ठीक से नींद नहीं होना। अगर ऐसा है कि आपके पर्सन आप देख रहे हो रात में बहुत रात तक ये ऑनलाइन है, वो तो किसी से चैट कर रहे नहीं, वो बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रेस में है, वो एक्सट्रीमली स्ट्रेस दिख रहा है इमीडिएट एनर्जी में उनके दिल और दिमाग में, ठीक है। बाधा हुआ एनर्जी, इनको लग रहा है यहां से मुक्त कैसे हो जाए भाई, फ्री कैसे हो, कोई रास्ता ही तो नहीं मिल रहा है, जैसे एकदम उनको हिम्मत भी नहीं हो रहा है कि इसको तोड़े, ये वाला एनर्जी में बाधा हुआ है। उनकी है, आप उनके पास है, उनको मालूम है, फिर भी वो बाधा हुआ एनर्जी से निकाल नहीं पा रहे, उनकी रास्ता नहीं मिल रहा है, ट्राई भी नहीं कर रहा है। ऐसा हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी शादीशुदा है, या ऐसा है कि ये फैमिली में ऐसा जगह में है जहां पे इनका माँ बाप भाई बहन रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिस रेस्पॉन्सिबिलिटीज को ये ओवरकम नहीं कर पा रहा है, ये ऑलरेडी शादीशुदा है, बच्चे है, बीबी है, उनको ओवरकम नहीं कर पा रहा है, मगर बीबी से दुखी, बच्चे डिपेंडेंट, ये वाला एनर्जी, अदरवाइज इनकी छोटा भाई है या ऐसा कोई है जिनसे भी ये सिचुएशन, माँ बाप है, कैसे डिसीशन ले, कैसे क्या करे, घर की ये छोड़ के ये कैसे करे, ये वाला एनर्जी इनके लिए दिख रहा है, ठीक है। देखिए आप तो आपके लिए काफी ज्यादा एक थर्ड पार्टी एनर्जी तो मुझे फील हो रहा है, यहाँ पे जो ओवरऑल एनर्जी आ रहा है यहाँ पे एक थर्ड पार्टी एनर्जी फील हो रहा है, फैमिली भी हो सकता है बट हो सकता वो है। तो ऐसा बाधा हुआ एनर्जी के बाद ही कार्ड क्या आंसर कर रहा है, नाइट ऑफ कप्स, आपसे प्यार करते हैं, नो डाउट आपको सीरियसली वो कप देना चाहते हैं, सीरियसली आपको अप्रोच करना चाहते हैं, वो ऐसे बचपना हट के बारे में नहीं, वो सीरियसली चाहते हैं, बट ऐसा कोई सिचुएशन है जो इनको बांध के रखा है। साथ ही साथ बार बार बोलूंगी प्रैक्टिकली एक्शन लेने वाला एनर्जी कम दिख रहा है ड्यू टू सिचुएशन। हो सकता है अभी काफी ज्यादा ऐसा कोई सिचुएशन है इनकी जिंदगी में जहां पे वो कुछ ना कुछ जैसे लग रहा है क्यों मेरे ऊपर इतना कर्म का बोझ, क्यों मेरे ऊपर इतना कर्म की बोझ, क्यों इतना प्रॉब्लम, मुझे ऐसा वाला एनर्जी बहुत दिख रहा है। हो सकता है नौकरी लेके इश्यू हो सकता है, अपना बिजनेस लेके हो सकता है, फैमिली लेके हो सकता है, जो भी होगा मेरे ही ऊपर इतना क्यों, ये वाला एनर्जी है, बट इट्स जजमेंट कार्ड आया है जिस कारण कहीं ना कहीं उनकी कर्माशुद्धि एंड कर्मिक कॉज है जिस कॉज के लिए ये अभी ये सिचुएशन के अंदर से जा रहा है। यहाँ पे बहुत लोग है जो आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में है, बहुत लोग है जिन लोगों में ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आपके लिए जो अगर एहसास है इनकी मन में भी लगता है कि इट्स अ डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप एंड वो सच में रियूनियन ये चाहते हैं। जो लोग रियूनियन में ट्विन फ्लेम में नहीं भी है उन लोगों के लिए आपके साथ एक सेलिब्रेशन, एक रियूनियन, रियूनियन का दो दो कार्ड आया है, चाहते हैं, चाहते हुए भी कंफ्यूज है। मदर साइड कुछ एनर्जी है, हो सकते हैं इनकी मदर के अगेंस्ट में जाके काम करना पड़ेगा, अदरवाइज ये खुद माँ है, अदरवाइज इनकी बीबी माँ है, अदरवाइज माँ स्थान की कोई पर्सन जो ये रिलेशनशिप की या सिचुएशन की अगेंस्ट है, ऐसा पॉसिबिलिटीज है जिस कारण के लिए एक्चुअली ये स्वर्णों में फंसे हैं, समझ में आया। मगर इनके दिमाग में दिल में ये एक इम्प्रूवमेंट आए है जिस इम्प्रूवमेंट की वजह से इनको लगता है कि नहीं डिवाइन हम दोनों के साथ है, ये वाला है, आपकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं,
ये आपको कहीं ना कहीं से एक ब्यूटी विथ ब्रेन ये जगह से देखते हैं, जो भी है आप लड़का हो लड़की को देखना, लड़की हो लड़का को देखना, या आप सेम सेक्स जर्नी में हो, व्हाट एवर मे बी, मगर उस जगह से एक फैंटेसी में रहना आपको लेके, ऑलवेज बैक ऑफ द माइंड में आप चलते रहते हो, उसकी इफेक्ट पे हो ही सकता है कि आपकी बैक ऑफ द माइंड में भी वो चलते आए, नेचुरली एनर्जी एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये वाला एनर्जी बहुत दिख रहा है जहां पे कंफ्यूजन है, मगर प्यार तो है, एक जगह एक बहुत एक अच्छा स्थान है उनकी दिमाग में दिल में आपके लिए, मगर थर्ड पार्टी सिचुएशन इसको बांध इनको बांध के रखे है, साथ ही साथ ड्यूटी, साथ ही साथ ऐसा कोई सिचुएशन इनकी जिंदगी में क्रिएट हुआ है जो सिचुएशन के लिए वो मतलब क्या करे क्या ना करे क्या स्टेप लेना चाहिए, ये जगह में कंफ्यूज्ड एनर्जी में इमीडिएट एनर्जी में उनको दिख रहा है। ये सब अगर हो, ऐसा सिचुएशन हो, आप कैसे हैंडल करेंगे? आप भी कंफ्यूज्ड मत रहिए, क्योंकि एक दूसरे के साथ ऑलवेज आप एनर्जेटिकली कनेक्टेड है। सर्च कीजिए कौन सा जगह है जिंदगी में जहां पे आप भी आपको भी क्लैरिटी नहीं है, कोई जगह से आप बांध के पड़े हो उस जगह नहीं, उनको लेके ही नहीं, जिंदगी में हर एक सिचुएशन में देखिए, आपकी एजुकेशन हो सकता है, आपकी नौकरी हो सकता है, आपकी कोई डिसीजन हो सकता है, कहां पे आप रुके हुए हो उसके ऊपर काम करने की कोशिश कीजिए, उसके ऊपर क्लैरिटी लाने की कोशिश कीजिए, स्टैंड लाने की कोशिश कीजिए। एनर्जी एनर्जी को पहचानते हैं, सिर्फ सोच रहा है करके जिंदगी चलने वाला नहीं है, इसके ऊपर काम कीजिए, जरूरत पड़े हीलिंग लीजिए, अगर आप खुद हीलिंग जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो दूसरे कोई अच्छा हीलर से है? जो ग्रैंड मास्टर अच्छा हीलर होगा, इनसे हीलिंग लीजिए। देखिए आपका बिल्कुल डिवाइन आपके साथ है, जजमेंट कार्ड आया है, एस ऑफ वांड्स कार्ड आया है, बिल्कुल डिवाइन आपके साथ है, एंड कार्ड ऑल्सो बोल रहा है जो भी सिचुएशन है आज जितना भी रुका हुआ है ये 100% जीतेंगे, ऐसा लोग है इनकी बहुत लोग पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है इनके अंदर भी हो सकता है, सोशल मीडिया हो या जिंदगी में हो, इनको बहुत सारा फॉलोअर्स है, इनको बहुत लोग पसंद करते हैं, ऐसा भी बहुत लोग है, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग तो वैरी करेगा, मगर बहुत लोग पसंद करेंगे इनको, समझ में आया? ये बाहर में तो तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है दिल में छुपा रहे हो, ये वाला एनर्जी में ये रहते हैं, बाहर में खुशी दिखा रहा है, बहुत खुश है मगर अंदर में बहुत ज्यादा गम ये लेके घूम रहा है, ठीक है ना? तो ये वाला ओवरऑल एनर्जी दिख रहा है। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके पर्सन की, अभी तो एक स्टाफ एनर्जी दिख रहा है, अभी देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके पर्सन की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन की क्या हो सकता है। मैजिशियन एंड द मिरर एक जगह में खड़े होके अभी मैनिफेस्ट करना काफी ऑलरेडी स्टार्ट किए भी है और भी स्ट्रॉन्गली मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करेंगे आपको। सो ये सब टाइम में क्या है, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में, अच्छा पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं क्योंकि एक दूसरे को मिरर कर रहा है, मैजिशियन एंड द मिरर। नेगेटिव रहेंगे, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन होगा, स्ट्रैटेजी ये स्ट्रैटेजी बनाएंगे। नंबर 853 नंबर इज नंबर 8 एंड 21 इट्स अ 3, जुपिटर की नंबर, सैटर्न की नंबर आए हैं, समझ में आया? थोड़ा रुक के भी हो मगर ये बिल्कुल स्ट्रेटेजी बनाएंगे और प्रॉपर मैनिफेस्ट करेंगे, मैनिफेस्टेशन को आगे लेके जाना, एक्टिव करना वो बिल्कुल चाहेंगे। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज ये स्ट्रेटेजी बनाएंगे, कैसे होगा? नंबर 6 वाओ, जुपिटर एंड वेनस दो नंबर है, नंबर 3 एंड नंबर 6, बिल्कुल ये आपको कहीं ना कहीं से, एंड लास्ट कार्ड आया है विक्ट्री, जो भी सिचुएशन है, नंबर 1 द नंबर सन 28 नंबर है ना, 2+8=10, 1, सो क्या होगा, ये सन का नंबर है, विक्ट्री, बिल्कुल विक्ट्री देंगे, जो चीज आपको रुक रुक के हो रहा है, कुछ कार्मिक सिचुएशन जो रोक रहा है, इसमें मुक्त होके, इसमें एक्चुअली याद रखना कर्मा एक्चुअली इंसान के दिल में होता है, दिमाग में होता है सॉरी, तो उसको क्लियर करना है, बहुत अंदर से इनर वर्क कीजिए, प्रॉपरली आगे जाइए, देखना बिल्कुल ये विजयी होंगे, आपकी तरफ आएंगे, ठीक है? ये जो सिचुएशन है, देखते हैं ये सिचुएशन में साईं बाबा का संदेश क्या है आपके लिए। चलिए देखते हैं ये जो सिचुएशन है इसमें साईं बाबा क्या बोलना चाहते हैं आपको। मालिक की मर्जी, आपके साथ जो भी हो रहा है वो मालिक की मर्जी से ही हो रहा है,
मुस्कुराते हुए उसमें से ही गुजर जाइए। देखा कार्ड में भी सेम आए हैं कि जजमेंट डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, इसको समझिए, कर्मा क्लियर कीजिए, बिल्कुल आपके लिए अच्छा टाइम आने वाला है। धुनी, आपकी चिंताएं, डर, गुस्सा, दर्द, ईर्ष्या और आपकी बीमारियों में धुनी में जला दीजिए। जो भी है, जो भी हर चक्र में ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलने से ही नहीं होता है ना। हर चक्र के ऊपर मेडिटेशन कीजिए, प्रॉपर जो क्रिया जानते हैं क्रिया कीजिए, है ना। देखना आपकी ये गुस्सा, डर, ईर्ष्या, हर चीज हर चक्र से क्लीन अप होके कैसे आप एक बैलेंस इंसान हो जाएंगे नेचुरली। ऑपोजिट पर्सन, देखना डिवाइन का भी वही आपके लिए संदेश है कि ऑपोजिट पर्सन भी वही सिचुएशन में आपके पास आएंगे जब आप हर चीज को धुनी में, बाबा की धुनी में डाल के एक एकदम आइडियल एक इंसान हो सकते हैं, ठीक है, जितना हो सके एक इंसान, ठीक है। सो आज इतना दूर तक रीडिंग, होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। फिर से बोल रही हूँ, अगर मेरा रीडिंग अच्छा लगे प्लीज लाइक कर देना, शेयर करना एंड कमेंट सेक्शन में दिल खोल के अपना विश कमेंट करना, क्या क्या रीडिंग चाहिए वो भी लिखना। थैंक यू।